हरे कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम अभास, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की इस नई वीडियो में, जिसमें बात करेंगे आज फोर्ड इकोस्पोर्ट 2020 टाइटेनियम प्लस वेरिएंट के बारे में। अगर आप भी इस कार को लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको इस कार के सभी फीचर्स पता लग सकें। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यह है इस कार की फ्रंट ग्रिल, जो इसके बड़े भाई एंडेवर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है। साथ में आपको मिल जाती हैं यहाँ पर ये हेडलाइट्स, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स हैं ये वाली, और इनके साथ में यहाँ पे ये हाई बीम्स हैं, और ये है DRLs। यहाँ नीचे आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा फॉग लैम्प्स के साथ में यहाँ टर्न इंडिकेटर्स, ये है आपके पास यहाँ पे टोइंग हुक। लाइटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं पडल लैम्प्स, ORVM के ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स। इस वेरियंट में बॉडी कलर ORVMs आते हैं, और नीचे आप देखेंगे तो यह है पडल लैम्प्स, और पडल लैम्प्स के साथ में ये कार की जो लुक है वो रात के टाइम पे बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए एक बार उस लुक को भी देख लेते हैं। सो दोस्तों, अब हम आ गए हैं नाइट मोड पे। जब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी लाइट्स किस तरीके से नाइट में ग्लो करती हैं, यहाँ पर मैं रिमोट की से अपने इसको अनलॉक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हमारा ये DRL जल रहे हैं, टर्न इंडिकेटर्स जल रहे हैं, और ORVM पे लगे टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर ग्लो कर रहे हैं। मैं अब आपको इसकी प्रोजेक्टर्स जला के दिखाता हूँ। विद प्रोजेक्टर्स और फॉग लैम्प्स के साथ में इसकी लाइटिंग कुछ इस तरीके से आती है। यहाँ पे आप इस हेडलाइट हाउसिंग में देखेंगे कि यहाँ पे आपको मिल जाती है, ये है प्रोजेक्टर्स लो बीम, ये है हाई बीम, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये DRLs, और यहाँ पर है आपके पास ये फॉग लैम्प्स, और ये है टर्न इंडिकेटर्स। तो इस तरीके से इस पूरी इकोस्पोर्ट की लुक आती है। पीछे से भी मैं आपको इसका लुक ज़रूर दिखाऊँगा। पीछे से इस कार का कुछ इस तरीके से लुक आता है। यहाँ पर नीचे भी आपको नंबर प्लेट पे भी इल्यूमिनेशन मिलती है। तो देख लिया आपने किस तरीके से नाइट में इसकी लाइट ग्लो करती हैं। तो चलिए चलते हैं वापस। तो कैसा लगा लुक? अच्छा लगा ना? अब देखते हैं हम यहाँ पे नीचे। इस कार के नीचे आपको देखेंगे तो यहाँ आपको सिल्वर कलर की स्केट प्लेट मिल जाती है इस तरीके से, और साइड में यहाँ पे चलते हैं तो आपको इसके अंदर 205/60 सेक्शंस के टायर, R16 इंच के टायर्स मिल जाते हैं। ये फोर्ड के अलॉय व्हील्स हैं जो टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में आते हैं 2020 में। इसके ऊपर वाले वेरिएंट में आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलता है, जो है टाइटेनियम स्पोर्ट वेरिएंट। कार के ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाती हैं सिल्वर कलर की, और साथ ही यहाँ पीछे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर टाइटेनियम वेरिएंट का यहाँ पर आपको बैजिंग मिलती है, एको स्पोर्ट की बैजिंग मिलती है, और फोर्ड की बैजिंग यहाँ पर आपको मिलती है। सबसे अच्छी बात मुझे इस कार की ये लगती है दोस्तों, कि इसमें जो ये स्पेयर व्हील आता है वो 16 इंच का ही है, और एलॉय के साथ में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देख लेते हैं इसके बूट स्पेस को। यह है इसका टेलगेट। इसके अंदर आपको 352 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, और साथ ही यहाँ आपको एक लाइट मिल जाती है। इसको उठाएंगे तो यहाँ पे आपको टूल किट भी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन काफ़ी अच्छा है। पीछे यहाँ पार्सल ट्रे मिलता है आपको, और बैक सीट्स पे 60-40 का स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है आपको। बंद कर देते हैं इसे। पीछे यहाँ आपको रियर वॉशर और वाइपर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ये है रियर वॉशर, और यहाँ पे आपको वाइपर्स मिल जाते हैं। फोर्ड इस पे देता है 3 ईयर्स 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंस।
कार्स के डायमेंशंस आपको आपकी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। इस वेरिएंट में एक इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ भी आती है, अगर आप ऊपर से देखें। ये अब टाइटेनियम स्पोर्ट और टाइटेनियम प्लस दोनों ही वेरिएंट्स में आती हैं। इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो आपको इंजन स्पेसिफिकेशन आपकी स्क्रीन्स के ऊपर भी दिख रहे हैं। इस कार के अंदर आपको फोर्ड का 1.5 लीटर का ड्रैगन सीरीज़ का इंजन मिलता है, पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 122 BHP की पावर्स और 149 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। डीजल वेरिएंट की बात करें तो उसमें भी 1.5 लीटर का एक डीजल इंजन आता है जो प्रोड्यूस करता है 100 BHP की पावर और 215 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इस कार की इंटीरियर्स में हम देख लेते हैं। सबसे अच्छा मुझे इसका ऑप्शन ये लगता है, अगर कीज़ आपकी जेब में है तो यहाँ से आपका पैसिव लॉक से ये खुल जाता है आपका, इस तरीके से बिना किसी टच के। यहाँ हम पहले देख लेते हैं इसके डोर्स को। डोर्स यहाँ पे इसके हैं डुअल बेज एंड ब्लैक कलर के आपको डोर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको ये फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलती है। दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स। यहाँ पर ये ऑटो अप और डाउन का ड्राइवर साइड के लिए है। यहाँ पे आपको ORVMs के ऑटो फोल्डेबल मिलते हैं। विंडो लॉक का यहाँ पे आपको बटन मिलता है और ये ORVM के एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको बटन्स मिलते हैं। दो यहाँ पे आपको बोतल होल्डर्स मिलते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और ये आपको दोनों ही डोर्स पे, फ्रंट डोर्स पे आपको पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड आपको फ्रंट लॉक सिस्टम मिल जाता है आपको। ये सेंटर लॉक सिस्टम है, ये कार पूरी तरीके से एक बटन से लॉक हो जाएगी। चलिए देखते हैं अंदर। तो दोस्तों, इस कार में सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो है इसका ये स्टेयरिंग व्हील। स्टेयरिंग फीडबैक की बात करूँ तो वह किसी रिव्यू वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, इस स्टेयरिंग कंट्रोल में आपको मिल जाता है टिल्ट और टेलीस्कोपिक, यहाँ एडजस्टमेंट आपको मिल जाते हैं। ये टिल्ट है और यहाँ पर टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसी स्टेयरिंग व्हील पर स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये आपको MID के कंट्रोल्स मिल जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स। और इस वेरिएंट में टाइटेनियम प्लस मैनुअल वेरिएंट के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, वो सिर्फ आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट में देखने को मिलेगा। हम बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पर दो ट्रिप मीटर्स मिलते हैं आपको, इस तरीके से दो ट्रिप मीटर मिलते हैं, और ट्रिप वन और ट्रिप टू के नाम से। यहाँ आपको एक टैकोमीटर मिल जाता है, RPM मीटर, और यहाँ पे आपको कूलेंट का टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। यहाँ आपका फ्यूल लेवल वार्निंग्स के लिए, और ये आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पे देखेंगे हम तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये है वाइपर के कंट्रोल्स, फ्रंट और रियर वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ से हैं। रियर वाइपर का ये है, फ्रंट वाइपर्स का ये है। यहाँ पर आपको पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हाई बीम और लो बीम को। और यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हेडलाइट के सारे कंट्रोल्स हैं। ये हैं आपके ऑफ, हेडलाइट्स ऑफ हो जाते हैं यहाँ से। ये है पार्किंग लाइट्स के लिए, ये है प्रोजेक्टर लाइट्स के लिए। यहाँ से आपको मिल जाएगी ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के लिए कंट्रोल्स, और ये ऑटोमेटिक जो है बहुत अच्छा काम करता है। ये रात के होते ही यहाँ पे जलना शुरू हो जाता है और दिन के टाइम पे ये अपने आप ऑफ हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हेडलाइट लेवलर। ये प्रोजेक्टर लाइट्स पे काम करता है, लेंस ऊपर नीचे होकर अपने आप को वेट के साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करता है। आपको यहाँ पे वेट के साइज के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना होता है। ये है फॉग लैंप्स के कंट्रोल। यहाँ पर ये है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ब्राइटनेस डिम और बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाएगा आपको। स्टोरेज के लिए इस कार में काफ़ी कुछ है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है खोलेंगे तो। और ये है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा स्टोरेज मिल जाता है। ऊपर आए यहाँ पे तो ये है इस कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम। 9 इंच की ये डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको होम और यहाँ पर आपको नेविगेशन मिल जाती है, और फ़ोन कॉल्स के लिए मिल जाता है, रेडियो के लिए मिल जाता है, सेटिंग्स मिल जाती हैं आपको, ऑडिबल्स मिल जाते हैं आपको, और इसमें ब्लूटूथ USB के सारे ऑप्शन आते हैं।
इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं आता, वो सिर्फ आपको टाइटेनियम स्पोर्ट वेरिएंट में देखने को मिलेगा। सिंक 3 की कनेक्टिविटी भी इस वेरिएंट में नहीं है, वो सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट टाइटेनियम स्पोर्ट वेरिएंट के ही अंदर मिलता है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो यह है एसी में, आप यहाँ पे देखते हैं तो एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे है एसी वेंट्स के पास में ऊपर आपको सिल्वर इंसर्ट्स की फिनिश मिलती है, सिल्वर फिनिश यहाँ पे आपको मिल जाती है जो बहुत सुंदर लगती है यहाँ से। और यहाँ हैजार्ड लैम्प की यहाँ पे आपको एक मिल जाता है आपको स्विच। नीचे देखते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आपको मिलता है, जिसमें यहाँ से हम इसको ऑन कर सकते हैं इस बटन से, और यहाँ पर इसकी स्पीड को इंक्रीज, फैन स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं हम। और यहाँ पे आपको कोल्ड और हीट के लिए, दोनों तरीके के लिए यहाँ पे मिल जाता है बटन। और भी आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर आपको मिल जाता है फॉग डिफॉर्मर के लिए, आपको यहाँ पे मिल जाता है आगे जो यहाँ पे वेंट्स हैं इससे हवा आती है, और सर्दियों के टाइम आपका ये शीशे पे जो भी फॉग्स आ जाते हैं वो सारे के सारा फॉग हट जाता है यहाँ पर। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए भी यहाँ एक बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन ऑफ और ट्रैक्शन ऑन के लिए। बाकी और यहाँ पे चीज़ें देखेंगे तो हम बहुत सारी डिस्प्लेस के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करते ऑफ करते के साथ में यहाँ पे आपको वार्निंग्स मिल जाएंगी, और ऑन करते के साथ में ही आपको ये चला जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें डैशबोर्ड पे तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स मिलते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेसेस हैं, यहाँ पे एक और एसी वेंट्स हैं, यहाँ 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 एसी के वेंट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे 2 यूएसबी के पोर्ट्स भी आपको मिल जाते हैं दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं 2 यूएसबी के पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ग्लव बॉक्स, ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है, इसके नीचे यहाँ भी स्टोरेज का कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है। दोनों ही ड्राइवर साइड और को पैसेंजर साइड पे आपको यहाँ पे मिल जाता है सेंटर लॉक का ऑप्शन, एक टच से यहाँ पे सेंटर लॉक हो जाएगा विद यहाँ पे इंडिकेटर, ये ऑरेंज कलर की लाइट जलती है यहाँ पे, इसमें इस तरीके से पूरी कार यहीं से लॉक और अनलॉक होती है, इवन आपका फ्यूल लिड जो है वो भी यहीं से ओपन और क्लोज होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं और चीज़ें, जैसे यहाँ पर 5 स्पीड का गियर बॉक्स आपको यहाँ पे मिलता है, एक रिवर्स भी है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको ये मिल जाता है हैंड ब्रेक। यहाँ पर बहुत सारी फीचर्स इस कार में हैं, जैसे उनमें से एक है, सबसे इम्प्रेसिव फीचर है यहाँ पे इसका, ये इलेक्ट्रिक सनरूफ यहाँ से वन टच पे ऑन हो जाता है, आप इसमें से निकलकर काफ़ी मज़े कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है सनग्लास होल्डर है आपको, और यहाँ पे इस वाइजर पे आपको मिल जाता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ना ही यहाँ पर लैंप है और ना ही यहाँ पर टिकट होल्डर। इस वाले वाइजर में आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ऑल्दो दोस्तों इस कार में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, वो सारे सेफ्टी फीचर्स आपको आपकी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे कार्स की, और ये ऑल द वेरियंट्स में सब में सेम होते हैं, यहाँ पर ये बेसिक हैं। जो यहाँ पर कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो सिर्फ टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उनमें से आपको मिल जाएंगे यहाँ पर काफ़ी सारे सिस्टम, 3 से 4 यहाँ पर ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल लॉन्च असिस्ट, ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं या कह सकते हैं आप सेफ्टी फीचर्स हैं जो यहाँ पर आपको टाइटेनियम वेरिएंट में ना मिल करके टाइटेनियम प्लस वेरिएंट और स्पोर्ट वेरिएंट में मिलता है। उसके अलावा टाइटेनियम के अलावा यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स का ऑप्शन मिलता है, साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स का, और अगर आप ऑटोमेटिक वर्जन लेते हैं इस कार का तो टाइटेनियम प्लस का, तो आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर। बाकी दोस्तों बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको मिल सकती हैं टाइटेनियम में भी और टाइटेनियम प्लस दोनों के ही अंदर, और टाइटेनियम वेरिएंट भी काफ़ी अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट टाइटेनियम वेरिएंट ही है, और इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आपका बजट ना हो तो आप टाइटेनियम वेरिएंट को ही ले, क्योंकि वो सबसे वैल्यू फॉर मनी है पेट्रोल वेरिएंट के अंदर। और अगर आप डीजल वेरिएंट के लिए देख रहे हैं तो टाइटेनियम प्लस वेरिएंट अच्छा है। यहाँ पर कंफर्ट में अगर देखते हैं तो टाइटेनियम और स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे फीचर्स, जैसे रियर आर्मरेस्ट, सनग्लास होल्डर, रेन सेंसिंग ऑटो वाइपर्स,
और ऑटो हेडलैम्प्स, ये फीचर ऐसे हैं जो सिर्फ टाइटेनियम प्लस और स्पोर्ट्स वेरिएंट में ही आपको मिलेगा, इसके अलावा टाइटेनियम वेरिएंट में ये नहीं मिलेगा। और भी सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, हम अगर इसका कैमरे को ऑन करें रिवर्स लगाते के साथ में, यहाँ इसका कैमरा है जो अडैप्टिव गाइडलाइंस नहीं के साथ में नहीं है ये, और ये देख सकते हैं आप। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, ये है पे आपको जो सीट मिलती है वो आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री में मिलती है, लेदर नहीं मिलती किसी भी वेरिएंट के अंदर, सिर्फ थंडर वेरिएंट के अंदर वहाँ पे आपको लेदर की स्टिचिंग मिल जाती है। यहाँ आपको इस स्टेयरिंग व्हील पे भी आपको लेदर स्टिचिंग मिलती है। इस कार के अंदर 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स का ऑप्शन आता है। अगर आपको इसकी साउंड क्वालिटी को सुनना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आभास गुप्ता के नाम से है मेरा इंस्टाग्राम, जिसमें मैं वहाँ पर सारे तरीके के वीडियोस डाल दूंगा इस स्पीकर से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे हरियाणवी गाने और मैं बहुत सारे गाने पंजाबी सॉन्ग्स वगैरह सब कुछ करके डाल दूंगा, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो एक बार हम इसके पीछे वाली सीट्स का भी व्यू ले लेते हैं, कितनी जगह वहाँ पे मिलती है। तो चलिए चलते हैं बैक सीट्स पे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इस कार की बैक सीट्स में, यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं, डैशबोर्ड देख सकते हैं आप यहाँ से पूरी कार का, और यहाँ पर ये आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक सनरूफ, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सीट्स, यहाँ पर पीछे मिल जाता है आपको एक आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर्स के साथ में, और यहाँ पे चारों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको। पीछे की तरफ आपको कोई भी लॉक अनलॉक का बटन नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ लिवर है अनलॉक के लिए। राइट हैंड साइड में सॉरी देखेंगे यहाँ पे हम, तो आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का यहाँ पर आपको पावर सॉकेट भी मिलेगा, ये रहा। यहाँ पीछे भी आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलती है इस तरीके से, और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर पीछे की लेग रूम्स दिखाऊं अगर मैं आपको, तो ये है लेग रूम, और हेड रूम्स भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। मेरा 5'8" की मेरी यहाँ पे हाइट है, मैंने आगे वाली सीट को पीछे कर रखा है काफ़ी अपने हाइट के अकॉर्डिंग, और फिर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मुझे लेग रूम देखने को मिलता है। जिसकी भी 4 से 5 की फैमिली है वो इस कार को ले सकता है। लोग कहते हैं कि इसकी पीछे की सीट्स काफ़ी छोटी हैं, मान सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि व्हील बेस इसका थोड़ा कम है, बट सब 4 मीटर कार से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पावर भी यही कार दे रही है, कंफर्ट भी यही कार दे रही है, परफॉर्मेंस भी यही दे रही है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस चलते हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे हल्का बहुत एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसा कोई भी नहीं है। लॉन्ग रन में आप 3 लोग यहाँ पे बड़े आराम से बैठ के जा सकते हैं, हमने यहाँ पे इस पे काफ़ी ट्रिप्स किए हैं इस कार पे, हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई इसमें, और देख सकते हैं आप यहाँ पीछे भी आपको एक लाइट मिल जाती है, और यहाँ आपको पीछे मिल जाता है एक डीफॉगर शीशों पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये पडल लैंप्स भी यहाँ पे जल रहे हैं, और कार देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। पावर्स के मामले में देख लो, परफॉर्मेंस में देख लो, लुक्स में देख लो, हर चीज़ में ये कार बहुत शानदार है। और फोर्ड की आपको लायबिलिटी मिलती है, फोर्ड की आपको सेफ्टी मिलती है, इस कार की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 1250 किलोग्राम्स का कर्व वेट है इस कार का, हाई स्पीड पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है ये कार, एरोडायनामिक्स इस कार के बहुत ही शानदार हैं। और अगर आप इस कार को लेने का परचेस कर रहे हैं और आपके लिए बजट कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप ज़रूर इस कार की तरफ जाइए। इस कार के ऑन रोड प्राइस आपको दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन्स पर, यहाँ पर आपको फोर्ड पास का भी एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपने मोबाइल के थ्रू कार को कंट्रोल कर सकते हैं, कार का एसी पहले से ही ऑन कर सकते हैं, अपनी कार के सारे सर्विसेज को चेक कर सकते हैं, और फोर्ड पास के यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई सा भी फीचर ना पसंद आया हो या फिर आपको ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, आपके कमेंट्स पर रिप्लाई करूँगा।
और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, मेरी ये पहली वीडियो है इस चैनल पे। और इस फोर्ड एको स्पोर्ट्स के लिए मैं आपका रिव्यू वीडियो भी डालूँगा इस कार के लिए, तो उसके लिए भी थोड़ा वेट करें। बाकी आपको इसके रिलेटेड कोई भी फीचर से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो तो आप ज़रूर बताएं कमेंट्स में। इस कार का जो माइलेज है दोस्तों, उस माइलेज को अब ये 17 की माइलेज क्लेम करता है फोर्ड इस पे, और जब से BS6 वेरिएंट आया है तब से अब इसकी 16 की माइलेज क्लेम करता है फोर्ड। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, सबसे ज़्यादा अगर कोई इको स्पोर्ट लेता है तो वो डीज़ल वेरिएंट में ही लेता है, क्योंकि डीज़ल में इसका काफ़ी अच्छा माइलेज निकल करके आता है। 21 की माइलेज क्लेम करता है फोर्ड, और पेट्रोल में 16 की माइलेज क्लेम करता है, लेकिन ये रियल लाइफ माइलेज नहीं है। मैंने इस कार से 13 का माइलेज लिया है, बाकी सिटी में आप इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट न मत करना। 8 तक का एवरेज ये आपको ही देगी, 8 से 9 तक का एवरेज देगी इन समर्स विद AC। और मैंने इसको 70 किलोमीटर्स डायरेक्ट रन किया हुआ है, जिसमें मैंने इससे 13 की माइलेज निकाली थी। AC को मैंने सिर्फ 2 पे रखा था और 70 की स्पीड पे मैं इसको लेके गया था। सो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मैं आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियोज़ देता रहूँगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार।